निवासी दूध उत्पादक भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बहुत ही एक पवित्र उत्सव शिवरात्रि की मंगल कामना आपको देता हूं। और वैसे भी हम सब दूध उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूध के बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शिवलिंग पर भी दूध अर्पित किया जाता है और दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी बहुत बहुत भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। मैं समझता हूं कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से, हम जो इसका सेवन करते हैं शारीरिक बल के नाते से, हमारे यहां पहलवान, हमारे यहां अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है, तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं, और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है, और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है, तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए, और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं को पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। जैसा हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान ये भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए, तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, हमारे यहां भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं उसकी नस्ल मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गीर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देशी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए
जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपये का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए लगातार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं, बैंकों से ऋण की सुविधा मिले इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। मित्रों भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूध के उत्पादकों की उत्पादों की बिक्री के लिए यानी एक प्रकार से सहकारी आंदोलन इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहां जैसे वीटा का उदाहरण हम लेते हैं तो वीटा इसके प्रोडक्ट सहकारी आंदोलन में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं। अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रांड है ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है, तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहरण भी हमारे सामने है, ये भी एक सफल प्रयोग है। हरियाणा सहकारी विभाग ने एक योजना बनाई है सांझी डेयरी। सांझी डेयरी का अर्थ है कि बहुत से ऐसे पशु जो पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन घर में उनके पास जगह नहीं होती है पशु बांधने की, तो ऐसे गांव-गांव में हम इस प्रकार के जैसे गुजरात में पशु हॉस्टल बनाए गए हैं, ऐसे हम सांझा डेयरी का प्रयोग करेंगे ताकि किसान एक ही स्थान पर जो हमारे पशुपालक हैं एक ही स्थान पर जो कॉमन जगह होगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी उसमें कोऑपरेटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे। हमारी सहकारी दुग्ध समितियां इनका भी जाल बिछा है जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता जिसकी 9,00,000 लीटर है इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा कि उनके लिए बाजार बहुत बड़ा बाजार दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। यह दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और इसका बहुत लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को होता है। दुग्ध उत्पादक के परिवारों की खुशहाली इसका भी ध्यान रखते हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनको मासिक छात्रवृत्ति 8-10वीं के बालकों के लिए 2100 रुपया और 12वीं के बालकों के लिए 5100 रुपये की छात्रवृत्ति ये दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 5,140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये अभी तक दी जा चुकी है। हम सब ये भी जानते हैं कि दुधारू पशु इसकी जो कीमत है ये बहुत अधिक होती है, लेकिन अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना ये हमने शुरू की है। कोई भी पशुपालक अपने पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 रुपया और छोटे पशु का 25 रुपया प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए ये बीमा की राशि जो उसके लिए शुल्क की राशि ये 0 है, अर्थात बीमा मुफ्त में कराया जाता है। अभी तक 8,52,000 ऐसे पशुओं का बीमा ये किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सब जो भी पशु खरीदते हैं उस पशु का बीमा अवश्य कराएं। इसी प्रकार से जो हमारे सहकारी दुग्ध समितियों के पशु जो हमारे दुग्ध उत्पादक बंधु हैं अगर किसी दुर्घटना में मानो उनका नुकसान कोई हो जाए मृत्यु हो जाए तो उसके लिए भी हम 5,00,000 रुपया एक बीमा राशि उसको मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 10,00,000 रुपया कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत भी बहुत लोगों को लाभ मिला है, लगभग 3,10,00,000 रुपये का लाभ ये दिया जा चुका है। मित्रों
हम तो यही कहेंगे कि पशु जो है, हमारा जो दूध देता है, ये हमारे लिए एक हमारा परिवार का जैसे एक सदस्य होता है, उस प्रकार से हम अपने पशु को रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। विदेशों में भले ही दूध क्रांति में दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां पशु को एक दूध देने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे यहाँ पशु एक जीव जिसका हम अपने परिवार का उसको साथी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। जैसा हमारे यहाँ मान्यता है गाय की पूजा करते हैं, गाय को माँ मानते हैं, तो इस प्रकार से पशु के साथ हमारा जो व्यवहार जिस प्रकार का हम रखते हैं, निश्चित रूप से इस पशुपालन के जो हमारा व्यवसाय है, इसमें हम जहां दूध प्राप्त करेंगे वहीं अपने पशुओं की देखभाल ये करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पशु इसलिए भी हम परिवार का अंग मानते हैं कि हमारे जैसा देखा जाए परिवार में छोटे से लेकर बड़ा तक व्यक्ति, यानी मनुष्य ही है जो बचपन से लेकर के और जीवन पर्यंत दूध का उत्पादन करता है। वरना कोई भी अन्य जीव केवल बचपन में तो जो दूध पीते हैं, लेकिन बचपन के बाद दूध पीना वो छोड़ देते हैं, जबकि मनुष्य बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत दूध का उपयोग करता है। तो जहां दूध कितनी ही हमारी महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है, एक हमारी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हमको छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब इकाइयां इसका यानी स्थापना करनी चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। सरकार बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्यक्रम करते हैं, दूध उत्पादकों की कंपटीशन, उनकी प्रतियोगिता बढ़े, ज्यादा ज्यादा दूध उत्पाद यानी पशु दूध वाले उनके यहाँ पर आए, तो उसके लिए हम बहुत से मेले लगाते हैं, बहुत सी प्रतियोगिताएं करते हैं, इनाम भी देते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हम सब लोग व्यवसाय के नाते, खास करके किसान जो है वो अपने व्यवसाय के साथ साथ दूध के व्यवसाय को अच्छा यानी उसको उपयोग करें, और उससे दूध अगर बढ़ेगा तो हमारे गरीब परिवारों की आय भी बढ़ेगी और हम लोग अपने इस दूध की आवश्यकता को पूरे समाज के लिए पर्याप्त रूप से एक प्रकार से और उसका उपयोग कर सकेंगे, उसका प्रबंध कर सकेंगे। वैसे हमारे प्रदेश की दूध की जो उत्पादन क्षमता है आसपास के सभी राज्यों में, मैं समझता हूं हम दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन हम प्रयत्न करके कैसे प्रथम स्थान पर आए इसकी ओर भी आगे बढ़ने के लिए आप और हम सब मिल करके इस काम को करेंगे। मित्रों, हमने छोटी जो डेयरी है और खास करके देसी नस्ल, इसको बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से भी 3 से 5 गांव की डेयरी लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान अलग से देने की नई योजना भी बनाई है। और इसके अतिरिक्त जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत कैंप लगा करके उनको बुलाया जाता है और उनसे इस योजना के अंतर्गत वो लोग आगे बढ़ें, तो इस विभाग की ओर से योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं। अभी तक 60,000 के आसपास ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए और स्वीकृति दी है, हम लोगों ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं, 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण मिल भी चुका है। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और कोई ना कोई कार्यक्रम आगे चला रहे हैं। आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं। अच्छा सुझाव देने के लिए खास करके पशुपालन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, आप उसको नोट करना चाहें कर लें। उसका जो नंबर है 9501122261, पुनः बोल रहा हूं 9501122261, यह एक दूरभाष का एक नंबर है, इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई कठिनाई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं। दूध की बनी वस्तुएं ये तो हमारे यहाँ बहुत एक से एक बढ़कर के पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हम जैसे देखते हैं बहुत मशहूर चीजें हैं। खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा, हांसी के पेड़े सर्वदूर प्रसिद्ध हैं, रेवाड़ी की बर्फी दूर दूर तो भेजी जाती है, भले ही दूध से बनी नहीं है लेकिन गोहाना का जलेब ये भी स्वादिष्ट आइटम के नाते से दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। तो ऐसे अच्छे अच्छे उत्पाद ये हम अपने घरों में भी बना सकते हैं। एक विशेष बात जो इसमें बहुत प्रसन्नता का विषय हमको लगता है कि घरों के अंदर हमारे यहाँ बहनें, माताएं, हमारी बेटियां वो भी पशुपालन के काम में बहुत अग्रणी रहती हैं। उसका पशु के पालन में
सहायता करना, उसका दूध निकालना और बाद में उस दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, घर के अंदर घी बनाते हैं, दही होती है, लस्सी होती है, ऐसे उत्पाद भी जो बनाते हैं उसका भी अपने आप में एक इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान होता है। हम लोग अपने छोटे बड़े उद्योग के नाते से भी वैल्यू एडिशन करने का काम भी कर सकते हैं। आखिर दूध से बनी चीजें, पनीर है, मक्खन है, मिठाई आदि, ये बना करके हम छोटी छोटी मार्केट, कोई दूध उत्पादकों के संगठन ये भी बना सकते हैं। जैसे हमने किसानों के किसान उत्पादक संगठन बनाए हुए हैं, इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक संगठन ये बना करके भी और अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करके हम बेचेंगे तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन का काम भी होगा। मित्रों, जैसे हम गाय के दूध के अलावा जो पंचगव्य है, अर्थात गौ का गोबर भी है, गौ का मूत्र भी है, ये चीजें भी औषधि में भी काम आती हैं और जैविक खाद इस नाते से इसका उपयोग होता है। तो गाय के इन चीजों का उपयोग अब उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का उपयोग खेतों में कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पशुओं का अपना एक उपयोग होता है। एक विषय की चर्चा अवश्य करना चाहूंगा कि अभी इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह